देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मैं मेरे विचार एप्रिहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते। आई ओनली हैव ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणी जनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू। मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते हैं, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का ध्यानी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी।